हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टेक विद पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट ऐप का यूज करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसमें जो आप एड्रेस सेव करते हैं ना उसमें आप चेंजेस किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है या हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, तो आपने जो इसमें सेव एड्रेस कर रखे हैं अपना या किसी और का, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। इसमें पिन कोड चेंज करना पड़ जाता है या मोबाइल नंबर या अपना नाम या ईमेल आईडी, जो भी आपको चेंज करना है तो किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चेंज करने के लिए करना क्या है, जो हमने एड्रेस सेव कर रखे हैं ना वहाँ हमको जाना होगा। तो वहाँ जाने के लिए हम करेंगे क्या, होम कैटेगरी नोटिफिकेशन और अकाउंट का ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे होंगे, तो हमको क्या करना है अकाउंट उसमें क्लिक कर लेना है। अब नीचे की तरफ अकाउंट सेटिंग में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव एड्रेसेस का, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे हमने क्लिक करा है ना, तो अब क्या करेंगे, हम जो हमने एड्रेस सेव कर रखे हैं उसमें से किसी एड्रेस को हम एडिट करके देख लेते हैं। तो करना क्या है, जैसे कि हमको यहाँ पर जो भी एड्रेस है उसके आगे थ्री डॉट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और एडिट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, तो एडिट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये पूरा देखिए ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, तो इस एड्रेस में हमको क्या करना है, यहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस क्या क्या करना है हमको, जैसे हमको यहाँ मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज करने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए मोबाइल नंबर हमने हटा दिया, कुछ भी मोबाइल नंबर यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं तो ये मोबाइल नंबर हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। उसके बाद पिन कोड अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए पिन कोड भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप नीचे की तरफ आते हैं, स्टेट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी स्टेट दोबारा से हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद हम सिटी चेंज कर सकते हैं, अपना एड्रेस यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव करके दूसरा एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं, साथ ही यहाँ पर रोड नेम एरिया यहाँ पर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। लैंडमार्क अगर डालना चाहते हैं, अगर पहले हमने यहाँ पर फिल नहीं करा हुआ तो लैंडमार्क यहाँ पर डाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमने जैसे ही लिख दिया है, और उसके बाद हमको सिंपल करना है कि सेव एड्रेस पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम क्या करेंगे, सेव एड्रेस पे क्लिक करेंगे ना, तो क्या होगा, हमारे सब कुछ चेंज हो जाएगा जो जो हमने यहाँ पे चेंजेस करने चाहे थे, और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, या आपका देखिए हमने लैंडमार्क यहाँ पर ऐड करना है, या आपने स्टेट या सिटी चेंज करनी है, तो सब कुछ यहाँ पर चेंज हो जाएगा और आसानी से आपको यहाँ पर नया एड्रेस आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपने सेव एड्रेस यहाँ पर करे हुए हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और एड्रेस चेंज करना भी आपको यहाँ पर आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चैनल पर आपको मिलता है यूट्यूब रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई नई वीडियो हर रोज। चलो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द, इजी टेक विद पंकज में।